समय है भाई। अब आप क्या बोलेंगे? महोदय कल जो सदन में जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया उसके लिए मैं चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष से कि सदन में कम से कम क्षमा याचना तो रखना चाहिए, माफी तो मांगना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा भाषण सिद्धांत की बखार रहे हैं, अनुशासन की बखार रहे हैं और सदन के बारे में बता रहे हैं, सम्मान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किए महोदय इसके लिए तो इन्हें माफी मांगना चाहिए। महोदय इसके लिए इतना लंबा चौड़ाई भाषण दे रहे हैं और संसदीय भाषा का कल प्रयोग किए महोदय, पूरा देश ने देखा है, पूरा जनता ने बिहार को देखा है। हम उनके पिताजी के साथ 74 आंदोलन में जेल रहे हैं और 5 बार के महोदय हम विधायक हैं और हमारे सम्मान को ये खेत पहुँचाए हैं महोदय, और असंसदीय भाषा के लिए महोदय इनको क्षमा मांगना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए अध्यक्ष महोदय, काश मंत्री जी जो है सही जवाब दे सकते थे, दे नहीं पाए। कोई सवाल का जवाब नहीं रहता है। बैठिए अभी मेरा समय, बैठ जाइए ना स्थिर से। आप मंत्री हैं, गरिमा का तो थोड़ा ख्याल रखिए, बैठिए बैठिए। यही सब कारण है ना महोदय, कारण यही सब है, यही कारण है। क्या कहना महोदय? हमने जो जवाब दिया पूरी सत्यता के साथ माकूल जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय अगर इनकी कोई पूरा, आपने तो पूरा कहा कि जो इनको और चाहिए सो जवाब देंगे, लेकिन सवाल जवाब सवाल का नहीं है, सवाल सम्मान को ठेस पहुंचाना है, सवाल मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाना है महोदय। और मैं अति पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हूँ, 5 बार का विधायक हूँ और संसदीय भाषा का प्रयोग कर ये महोदय सदन के माननीय सदस्य का गरिमा का अवहेला किए रहे महोदय, इस पर माफी मांगना चाहिए। बैठ जाइए, बोलिए। ऐसे चलेगा तो मुख्यमंत्री बोलना भी चाहेंगे तो बोलने नहीं दिया जाएगा। सदन में धमकी की भाषा नहीं चलती है, ये उचित नहीं है। सदन में धमकी की भाषा नहीं चलती है। हमारे बोलिए अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण बैठ जाइए। किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, बैठ जाइए। माननीय नंदकिशोर यादव जी, सभी लोग बैठ जाइए। एक आग्रह करेंगे कि सदन के अंदर धमकी की भाषा नहीं चलती है, मर्यादित भाषा है, प्रोसीडिंग के अंदर जाएगा। बैठ जाइए सभी लोग। अध्यक्ष महोदय, सदन अपने नियम और नियमावली से चलती है और सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे बैठ जाएं, मर्यादित भाषा का उपयोग करें, सदन का माहौल शांतिपूर्ण बरकरार रहे। बैठ जाइए सभी लोग, आग्रह कर रहे हैं, नहीं ये उचित नहीं है। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए सदा जी। अध्यक्ष महोदय, कैसे चलेगा? वो बैठ जाइए, वो हट गया, प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बना, वो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है। बैठ जाइए सदन का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाए रखना सबकी जिम्मेवारी है। अध्यक्ष महोदय,